हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम्पेस। प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले मैंने थॉट का एक और वीडियो बनाया था जिसका वो ग्रीक कंट्रीब्यूशन पे था और अभी है अरब ज्योग्राफर्स पे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ज्योग्राफर्स। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो अरब ज्योग्राफर थे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था ज्योग्राफी में, और क्यों था इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो सबसे पहला फैक्टर है ओपन माइंड, वो बहुत ज़्यादा ही ओपन माइंडेड थे। ठीक है, दूसरा है इस्लामिक ब्रदरहुड। इसमें क्या है कि उन्हों वो जो थे वो अभी का जो टाइम है उसमें बहुत ही डिफरेंस है मुस्लिम और हिंदू में, पर उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, तो कोई भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकता था। और तीसरा है पिलग्रिमेज, जब वो मक्का मदीना जाते थे तो वो आसपास की कंट्री को घूमते थे, वहाँ पे गैदर करते थे इंफॉर्मेशन, फिर लिखते थे, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्कवरी किया। और चौथा पॉइंट है ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें क्या है कि ज़्यादा जो अरब ज्योग्राफर्स थे, मतलब अरब्स लोग थे, वो मर्चेंट थे, तो वो ट्रेड के कारण दूसरे दूसरे जगह पर जाते थे और वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलता था। और अब पाँचवा पॉइंट है मरीन एडवेंचर। इसमें क्या है कि जो जितने भी अरब ज्योग्राफर्स है, जैसे कि पहले है कोई भी रेलवेज़ और रोडवेज़ नहीं हुआ करता था, तो जो भी ट्रेड होता था वो सी रूट से होता था, तो ट्रैवल करते थे और इंफॉर्मेशन मिलता था। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफर है इब्न हकल अबू अल मोहम्मद कसीम। ये एक रेसिडेंट थे बगदाद के, ये बॉर्न हुए थे नासिबीन में। वो इंटरेस्टेड थे ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा, और वो जहाँ भी जाते थे वहाँ के जो भी जैसे कि कोई ट्राइब है वहाँ का लाइफस्टाइल बताते थे और कैसे वो रहते हैं, कैसे खाते हैं, ये बताया करते थे। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियाम्स। इस बुक में उन्होंने बताया कि उस कंट्री के बारे में बताया, उनका रिवर के बारे में बताया, उस देश में कौन कौन सा रिवर है, फिर वाटर बॉडीज़ के बारे में बताया, रिसोर्स के बारे में बताया, फिर ट्रेड के बारे में बताया और इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के बारे में भी बताया अरब वर्ल्ड में जो भी अरब। और उन्होंने क्या किया कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसको बताया कि वो एक आइलैंड कंट्री है, और बताया जो कैस्पियन सी है उसका नॉर्थ सी से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई भी चैनल से वो कनेक्टेड नहीं है, जो कैस्पियन सी है वो लैंडलॉक कंट्री है। अब दूसरे ज्योग्राफर है अल मसूदी। अल मसूदी बॉर्न हुए थे बगदाद में 9th सेंचुरी में, एंड 9th सेंचुरी का, और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट स्कॉलर थे 10th सेंचुरी के। ये एक सिर्फ ज्योग्राफर नहीं थे, हिस्टोरियन थे, वर्ल्ड ट्रैवलर थे एंड एक राइटर भी थे। इनका कुछ कंट्रीब्यूशंस है। इनका पहला कंट्रीब्यूशन है कि इनको क्लियर आइडिया था स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड कंपेयर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द अर्थ बी स्पेरिकल इंस्टीड ऑफ फ्लैट। जो यूरोपियन ज्योग्राफर्स थे पहले डार्क एज में, उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, पर जो अल मसूदी है उनको पता था कि जो अर्थ है, मतलब उनका ये व्यू था कि जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप है, क्योंकि उनको ये कह रहे थे कि अगर फ्लैट होगा तो वो सबमर्ज्ड हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है ही नेविगेटेड थ्रू द कैस्पियन सी एंड पुट एट द रेस्ट द क्वेश्चन ऑफ इट बीइंग ठीक है और बीइंग नॉट कनेक्टेड टू द नदर्न सी। इन्होंने ये बताया कि जो पहले था कि बहुत टाइम से ये हिकेटियस और हेरोडोटस जो ग्रीक ज्योग्राफर्स थे उस टाइम से चल रहा था कि जो कैस्पियन सी है वो नॉर्थ सी से कनेक्टेड है या नहीं, तो जो अल मसूदी है वो उन्होंने उस नेविगेट किया कैस्पियन सी से और पता किया, खुद से पता किया कि कुछ जो भी ऐसे बात पे विश्वास नहीं, खुद गए नेविगेट किया और खुद बताया कि इसका कनेक्शन कुछ भी नहीं है नॉर्थ सी से, कोई भी चैनल से ये कनेक्टेड नहीं है। इन्होंने वेदर कंडीशंस के बारे में बताया, जो भी प्लेस मतलब जो भी प्लेस पर ये गए, और ये बताया कि जो भी सॉल्ट रहता है ओशन से वो कहाँ से आता है, वो लैंड से आता है। बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन था ग्रीक ज्योग्राफर से, और बहुत ज़्यादा बहुत हद तक इन्होंने सही भी बताया था।
ठीक है, चौथा पॉइंट है ही अप्रिशिएटेड द रोल ऑफ प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रीम टू स्ट्रक्चर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म। वो एक्सेप्ट किए, अप्रिशिएट किए प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड एडजस्टमेंट टू द स्ट्रीम्स टू द स्ट्रक्चर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया ही ट्राई टू रिजॉल्व द कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ सोर्स ऑफ द रिवर नाइल। उन्होंने ये भी कॉन्ट्रोवर्सी क्लियर किया कि क्या सोर्स है रिवर नाइल का। ही हैड रिपोर्टेड द फेनोमिना ऑफ मानसूनल विंड्स। यही थे अल मसूदी ही थे जिन्होंने मानसून विंड्स के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर अफेक्ट द नेचर एंड मूड ऑफ द मैन। उन्होंने ये भी कहा कि जो ह्यूमिडिटी है एटमोसफेयर में वो नेचर और कैसा मूड रहेगा आदमी का वो भी बताता है। इन्होंने डिवाइड किया वर्ल्ड को 7 रीजन्स में लैंग्वेज के बेसिस पे। इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ट्राई टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मोड ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या किया ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा, उन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट और ये भी बताया कि जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट का वो कैसा है मोड ऑफ लाइफ में, मतलब कि कैसा, मतलब अगर कोल्ड रीजन है तो वहाँ के लोग बहुत मेहनती होंगे, वो उनका घर का स्ट्रक्चर अलग होगा ये सब। अब आगे अगले ज्योग्राफर्स पे चलते हैं जो है अल बरूनी। अल बरूनी का जो ज्योग्राफर थे उनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ये बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड थे और अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे अपने टाइम पर। ही स्टडीड ग्रीक वर्क थ्रू अरेबिक ट्रांसलेशन। ये क्या किया इन्होंने कि जो ग्रीक वर्क था उसको अरेबिक में ट्रांसलेट करके पढ़ा। ही डिस्कस्ड एंड अप्रूव द अर्थ थ्योरी ऑफ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड करेक्टली कैलकुलेटेड द लैटिट्यूड्स ऑफ मेनी प्लेसेस। इन्होंने डिस्कस किया और अप्रूव किया रोटेशन, अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, इस बात को उन्होंने डिस्कस किया और अप्रूव भी किया और इन्होंने बहुत सारे जगह का सही लैटिट्यूड्स भी बताया। और ही सपोर्टेड द जियोसेंट्रिक व्यू। इसका मतलब कि अर्थ बीच में है और चारों तरफ प्लैनेट्स, मतलब दूसरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, इनके कुछ कंट्रीब्यूशंस है। सबसे पहले इन्होंने बताया सोलर और लूनर इक्लिप्सिस के बारे में। ही ऑल्सो एम्फसाइज दैट मून डिड नॉट गो अराउंड द अर्थ इन अ परफेक्ट सर्कल एंड डिस्कस द लूनर मंथ। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो मून है वो पूरा परफेक्टली, मतलब पूरा नहीं घूमता एक सर्कल में अर्थ के अराउंड, और इन्होंने लूनर मंथ और सिनोडिक, मतलब मंथ के बारे में भी बताया। ही अटेम्प्टेड टू मेजर द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ मून एंड द सन फ्रॉम द अर्थ। इन्होंने जो है पेरीजी और अपूजी, एपोजी, इन्होंने के बारे में बताया। एपोजी क्या है कि जो सन से फादेस्ट डिस्टेंस है, मतलब अर्थ और मून का फादेस्ट डिस्टेंस को अपोजी कहते हैं, पेरीजी को जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, तो उन्होंने ये बताया, मेजर करने का कोशिश किया। ही ऑल्सो स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ टाइड्स एंड फेजेज ऑफ मून। ये पहले थे जिन्होंने टाइड के बारे में बताया और फेजेज ऑफ मून के बारे में बताया। ही मेंशन्ड द फेनोमेना ऑफ कंटिन्यूस डे एट द पोल। इन्होंने बताया कि क्यों पोल पर कंटिन्यूस, मतलब ज़्यादा देर, क्यों ज़्यादा देर डे टाइम होता है। ही मेंशन्ड द फेनोम इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ही कंपेयर्ड द फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन द प्लेन्स ऑफ अरेबिया दुर्जान एंड कन्वर्जम अलॉन्ग द कैस्पियन सी। He also mentioned that distribution of rainfall in the peninsular region is controlled by the western घाट and eastern घाट। ये भी है, इसमें क्या बताऊँ कि peninsular region जो है वो control होता है, जो वहाँ पर बारिश होता है वो western घाट और eastern घाट के कारण होता है। इन्होंने एक accurate account दिया season of India का। अल बरूनी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर इंडिया पे। उन्होंने बहुत कुछ इंडिया के बारे में बताया, मतलब बहुत सारे अलग ज्योग्राफर्स ने इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस एंड ओरिजिन कोर्स एंड फ्लड। ये पहले थे जिन्होंने इंडस के ओरिजिन के बारे में पूरा बताया अच्छे से।
और आधे जोग्राफर्स जो बाकी है उनके उनका एक अलग से वीडियो आएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ने कहा कि मैं एक कमेंट आया था कि आप ट्रांसलेट करती हो सिर्फ, तो मैंने मेरे पास कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है और इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आती हूँ और लिख मतलब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाती हूँ जिससे आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा। वैसे भी मैं बिना लिखे भी बता सकती हूँ पर आप लोग का फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग अब क्या कर सकते हो, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ाई कर सकते हो। अगर मैं ऐसी बताऊंगी तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा और बहुत प्रॉब्लम होगा कि आप मैं बोलूंगी आप लिखोगे, इसलिए मैं यही करती हूँ जो आपका भी नोट्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।